हाय एवरीवन, दिस इज केशव लखोटिया फ्रॉम आईआईटी धनबाद। एंड आज के इस वीडियो के अंदर अपने एक और ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, यदि आपकी जेईई मेन के अंदर कम परसेंटाइल आए और आपको डायरेक्ट क्लास 12th के थ्रू एडमिशन लेना है, तो ये कॉलेज आप लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। एंड साथ ही मेरे को काफी बच्चों ने कमेंट करके भी बोला था कि भैया रूंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो तैयार है। तो ये अपने इस वीडियो के अंदर तैयार बात करने वाले हैं रूंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज के बारे में, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो कि एनएएसी ए ग्रेड कॉलेज है, जहां पर यदि आप बिहार के बच्चे हो तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पे इसका जो बिल्टअप एरिया 15 लाख स्क्वायर फीट का है, 25 ईयर के एक्सपीरियंस यहाँ पे फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे 5 करोड़ का प्लस गवर्नमेंट फंडिंग होता है रिसर्च और ट्रेनिंग के अंदर, तो एक बात आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ का रिसर्च और ट्रेनिंग फील्ड भी काफी सही है। नाउ अपन अब बात करें इस वीडियो के अंदर कि इस कॉलेज के क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपन मेन डिस्कशन करने वाले बीटेक प्रोग्राम पर, ठीक है। तो उसके पहले उसकी क्या फीस है, वहाँ पे क्या प्लेसमेंट्स है, हाईएस्ट और एवरेज पैकेज क्या है, एंड साथ में वहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेसमेंट्स पर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हाईएस्ट सीटीसी 48 लाख पर एनम का है और जो एवरेज सीटीसी है वो 4 लाख पर एनम का है, ठीक है। तो एवरेज सीटीसी 4 लाख पर एनम का है, तो एक बार देख लेते हैं कि फीस कितनी लग रही है, ताकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें देखना चाहिए ना कि अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फीस की। तो फीस पर बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो, एडमिशन के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस रख दी है, आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म बनाया जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, आप जाके उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए यदि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। साथ में कोई भी दूसरी क्वायरी भी है वो भी आप जाके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन जी की जो टीम है वो आपको पूरी तरीके से उसमें हेल्प कर देगी आपके पूरे पूरे एडमिशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स एडमिशन से रिलेटेड आप उनसे पूछ सकते हैं, एंड आपका साथ में कोई भी दूसरा कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। जो भी कॉलेज के चार्जेस होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस एंड जो ट्यूशन फीस होती है वही आपको देनी रहेगी, बाकी और कुछ भी आपका एक्स्ट्रा ज्यादा चार्जेस नहीं लगेगा। सो नाउ अपन बात करते हैं इस कॉलेज की फीस कितनी है, ताकि अपने चेक कर सकें कि इस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो बीटेक फीस है, यहाँ पे बीटेक की ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट चार्जेस 38,050 रुपीज है, एंड यहाँ पे ईयरली फीस बाकी बुक बैंक की, स्पोर्ट्स फीस की, स्टूडेंट के इंश्योरेंस, एडमिशन फॉर्म और ऐसे करके कई सारे अदर फीस भी यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे 38,050 रुपीज अप्रोक्सली आपके सेमेस्टर फीस लगती है पर सेमेस्टर। टोटल कितने सेमेस्टर हो गए, 8 सेमेस्टर हो गए, इसका मतलब मोटा मोटी आपके यहाँ पे 40,000 का लेके चलते हो, तो आपके 8 सेमेस्टर में 3,20,000 रुपये लग जाते हैं, एंड आई थिंक वो काफी सही है। 3,20,000 रुपये के अंदर आपकी पूरी की पूरी अच्छे से बीटेक हो रही है, एंड यदि अपने बाकी अदर खर्चे मान के भी चले तो 4 लाख रुपए लगे फॉर एग्जाम्पल। तो आपका एवरेज सीटीसी यहाँ पे 4 लाख का है, तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी सही है, मतलब आपने 4 साल में जितना पैसा लगाया आपने पहले साल में अपने प्लेसमेंट लेके उठा लिया, तो बेस्ट है चीज है। तो मुझे अच्छी लगी इसको जान के आपको बताने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल गई होगी, एंड जैसे मुझे बच्चे ने बोला था कि भैया मुझे रूमटॉप पे बता दीजिए, तो मैंने बता दिया आपको वीडियो, ठीक है। एंड आई होप सबको वीडियो काफी पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सबके दिल से बनता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मेरा दूसरा चैनल भी है आईआईटीन केशव करके, आप जाके उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं बाकी जो जेई के बच्चे उन सबको वहाँ पे हेल्प करता हूँ, साथ में वहाँ पे मैं काउंसलिंग भी आप लोगों के लिए काउंसलिंग में भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप सबको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से बनता है। सो स्टे ट्यून, राधे राधे।